हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मैगी बनाने जा रही हूँ, वो भी सूपी मैगी। ये सर्दियों में खाने में गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगती, बहुत अच्छी लगती, सारी सर्दी भाग जाती है इसको खाने से। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं और बारीक काट लिया है उनको। फिर एक पैन चढ़ाया, इसमें बटर डाला है। सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा उसको सॉटे कर लेंगे प्याज को। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है आधी चम्मच। यहाँ पर मैंने 5 रुपए वाला मैगी का पैकेट लिया हुआ है। बस थोड़ा सा ये प्याज पकने के बाद, यहाँ पे शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है, जो बारीक काटा था। सब्जियाँ अपनी पसंद से आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा गोभी का टुकड़ा लिया था, उसको बारीक काट के डाला है। सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैगी मसाला डाला है, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाला है, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि यहाँ भी पानी डालेंगे। और मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला हुआ है। तो बस इसमें एक बॉयल आएगा अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर मैगी डालेंगे। ये मैगी, सूपी मैगी इतनी अच्छी लगती है खाने में कि बस टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका। एक ही मैगी खा खा के आदमी बोर हो जाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग अनियन डाला है थोड़ा सा, और बढ़िया सा बॉयल आ गया। इसमें मैगी डाल दी है, और बस 5 मिनट लगेंगे इसको मैगी को बनने में। सारी सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं, बस ये तैयार हो गया, इसको सर्व करेंगे। मेरी ये मैगी सूप की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और गरम गरम ये बच्चों को दें, सर्दी जुकाम इससे सारा भाग जाएगा। और सब्जियों के साथ ढेर सारी दें तो बच्चों को भी पसंद आएगी, और बच्चों के लिए हेल्दी भी है ये।